हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो आज हम करने वाले हैं कि पिछली परीक्षाओं में जो हिस्ट्री के प्रश्न आए हैं आपके, तो उससे संबंधित बात करेंगे, प्रश्न करेंगे, ऑप्शन आप देखेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इतिहास के, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन 2011 का है। इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ, इलाहाबाद में स्थित है अशोक स्तंभ, साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। तो किसके साम्राज्य के सूचना देता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? ठीक है, जिनको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। तो ध्यान रखें इनको, फटाफट से जो है वो आंसर बताएं। क्या रहेगा सही आंसर? कई बार जो है वो मैं बता चुकी हूं इलाहाबाद स्तंभ के बारे में। ठीक है, तो इलाहाबाद स्थित जो अशोक स्तंभ है तो किसके साम्राज्य के बारे में बताता है? तो यहाँ जो आंसर रहेगा बिल्कुल समुद्रगुप्त सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, और हो सकता है आगामी जो परीक्षाएं होंगी तो वहां पर ये प्रश्न दोबारा से पूछ लिया जाए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, तक्षशिला, नालंदा या उज्जैनी? बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। वैशाली सही रहेगा। शिक्षा का केंद्र जो है कौन सा था मौर्य काल में? तक्षशिला, नालंदा या उज्जैनी? तो बिल्कुल देखिए आंसर जो है यहां पर राइट रहेगा, तक्षशिला। ठीक है, जहां के आचार्य जो थे वो कौन थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, कौटिल्य जिनको कहा जाता है, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, निम्न चित्रकारों में से किसे शीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा प्रदान की गई? तो यहाँ पर चित्रकार हैं चार, वसावंत, सैयद अली, दसवंत या अब्दुस समद। तो ये जितने भी प्रश्न हैं ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं इतिहास के, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने दो क्वेश्चन देखे तो वो दोनों ही मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखे हैं, कई बार जो है वो आपको समझा रखा है और आपको आते भी हैं। अब इसका आंसर जो है वो आप बताइए कि शीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा प्रदान की गई, किसे की गई? वसावंत, सैयद अली, दसवंत या अब्दुस समद? तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आंसर है अब्दुस समद। याद रखिएगा, आ से अकबर और आ से अब्दुस। ठीक है, ऐसे आप ध्यान में रख पाओगे। नेक्स्ट देखो, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, तो ये टिप्स पर आंसर होने चाहिए आपके कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किस सन को हुआ था? 1675, 1674, 1659 या 1665? बताइए इसका सही आंसर। शिवाजी का राज्य अभिषेक जो है वह है कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह है 1674 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, और राज्य अभिषेक के बाद जो है ये हुआ कहाँ था? रायगढ़ में। ये भी आपको याद रखना है, साथ में ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जो है शिवाजी को छत्रपति की पदवी मिली थी। ठीक है, जब वो मुगलों को हरा कर वापस लौटे थे रायगढ़, यहाँ पर जो है इनका राज्य अभिषेक होता है और तब से जो है इनको क्या कहा जाने लगा? छत्रपति शिवाजी, 1674 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? अब भारत छोड़ो आंदोलन की डेट भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले की बात पूछी गई है कि किसकी असफलता के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942, साइमन कमीशन 1928, कैबिनेट मिशन 1946 या वेवेल प्लान 1945। यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए, क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में। संविधान निर्माण में जो है वो बहुत योगदान रहा कैबिनेट मिशन का। वेवेल प्लान जो है 1945 का। भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? 1942। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? इसका जो सही आंसर रहेगा वह है क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन की जो है वो असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ।
सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कितनी बार रहे? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? बताइए इसका सही आंसर कि सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कितनी बार रहे? तो बिल्कुल राइट आंसर है, दो बार। ठीक है, कब कब? एक तो हरिपुरा अधिवेशन के समय, हरिपुरा अधिवेशन कब होता है? 1938 में। हो सकता है यही पूछ ले एग्जाम से, एग्जाम में आपके, ठीक है, आगे जो आपके एग्जाम होंगे। दूसरा जो है वो त्रिपुरी, और इसकी डेट क्या है? एक साल बाद, 1939। ठीक है, तो दो बार जो है ये अध्यक्ष रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, कौन? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखिए, बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ? बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ? पांड्यों के समय, चोलों के समय, शैलेंद्रों के समय या पल्लवों के समय? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, जो भी बच्चे पढ़ते हैं आरबीएससी प्लस एनसीईआरटी, तो वो इन सभी के जवाब सब जानते हैं जिन्होंने ये बुक्स को पढ़ा है। ठीक है, 6 से 12 तक की बुक जो है जिन्होंने पढ़ी है, आपको सभी प्रश्न उसमें मिल जाएंगे। और देखिए, फर्स्ट ग्रेड तक में आपके ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आप सोचिए, अभी तक जो है हम 7th क्वेश्चन पर पहुंचे हैं और ये सभी फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन हैं 2011 से लेकर अब तक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह है शैलेंद्र। यदि आपको नहीं पता था तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण शैलेंद्रों के समय हुआ। कौन सा कथन सही नहीं है? श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को दी गई थी, मैग्नस थीस की पुस्तक का नाम इंडिका है, और पल्लव राजवंश ने राज्य को राष्ट्रकूटम व नाडु में विभाजित किया था। इनमें से एक गलत है, तीन सही लाइनें हैं। सोचिए, क्या रहेगा सही आंसर? फटाफट से जो है वो आंसर लगाने की कोशिश करें। तो जिसका सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? इसका रहेगा कि यहाँ पर पल्लव राजवंश ने राज्य को तीन भागों में बांटा था, राष्ट्रकूटम नाडु, ये गलत है। तो कौन सी लाइनें सही हैं? ध्यान रखें, श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ विसल देव इनको दी गई, मैग्नस थीस की पुस्तक का नाम इंडिका है। तो ये सभी सही हैं। मौर्य प्रशासन से संबंधित प्रश्न है, सत्य कथन कौन सा है? राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था, जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। उपरोक्त तो दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर सही कथन क्या है? तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? फटाफट से लगाएं। तो देखिए, यहां पर जो सही रहेगा, ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं मौर्य प्रशासन के संबंध में, कि राजकुमार जो थे उनको प्रांतों में भेजा जाता था राज्यपाल के रूप में, और जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी जो है वो कर वसूलते थे। चोल किनके सामंत थे? पाल, गुर्जर प्रतिहार, पल्लव या मुगल? चोल किनके सामंत थे? पाल, गुर्जर प्रतिहार, पल्लव या मुगल? तो देखिए, छोटा सा ही प्रश्न है और इसका आंसर रहेगा कि चोल जो थे वो पल्लव शासकों के सामंत थे। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, चाहे हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें, चाहे हम सेकंड ग्रेड की बात करें, ठीक है, और रीट में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हो सकता है थर्ड ग्रेड के एग्जाम में जो है वो आपका ये प्रश्न जो है वो आपसे फिर से पूछ लिया जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको एग्जामिनर जो है घुमा के पूछ लेता है, लेकिन पूछता वही है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था?
श्रीलंका भेजा, जावा भेजा, स्वर्ण भूमि भेजा या स्वर्ण द्वीप भेजा? कहाँ पर भेजा था अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को? किसके लिए भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। शिव का उपासक था अशोक, ठीक है, सूर्य का उपासक था और शिव का तो परम भक्त था, लेकिन बाद में जो है जब कलिंग युद्ध होता है तो उसमें इसका मन जो है वो बहुत ही दुखी हो जाता है और ये सोच लेता है कि अब जो है कभी युद्ध जैसी चीज तो नहीं करूंगा, तो बौद्ध धर्म की तरफ जो है ये बढ़ जाता है और इसके प्रचार प्रसार के लिए जो है अपने बेटे बेटी को भेजता है। कहाँ पर? श्रीलंका भेजा जाता है, ठीक है, भेजा जाता है। क्वेश्चन 12 देखिए, चोल शासक अनुयायी थे शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म या जैन धर्म? फटाफट से बताइए, चोल शासक अनुयायी थे तो ये लोग जो कि पल्लवों के सामंत थे, तो ये किसको पूजते थे? शैव धर्म वाले जो हैं वो शिव भगवान को पूजते हैं, वैष्णव धर्म वाले जो हैं वो विष्णु भगवान को पूजते हैं, ठीक है, शाक्त धर्म और जैन धर्म। तो यहाँ जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा शैव धर्म। तो ऐसे भी पता कर सकते हो आप, जब चोल साम्राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं तो वहाँ के जब मंदिर देखते हैं तो वहाँ पर नटराज की मूर्ति जो है ये आपको बुक में भी देखने को मिली होगी, ठीक है, चिदंबरम का नटराज मंदिर भी है, तो नटराज की मूर्ति जो है वहां पर शिव की आकृति ही आपको नजर आती है। तो ये किसके अनुयायी थे? शिव के, ठीक है। श्रवण बेल गोला का संबंध है किससे? संबंध है किस शासक से संबंधित है श्रवण बेल गोला? चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से, विष्णुगुप्त से या महावीर स्वामी से? तो अभी हमने कुछ देर पहले ही श्रवण बेल गोला की एक लाइन जो है वो समझी थी। कहाँ है ये श्रवण बेल गोला? कर्नाटक में है, ठीक है। तो क्या रहेगा? श्रवण बेलगोला का संबंध है, तो इसका जो सही रहेगा आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। तो अंतिम दिनों में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था और अपने अंतिम दिनों में ये यहाँ चले गए थे श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, और जैनों की जो एक विधि होती है सल लेखना विधि, तो इस विधि के द्वारा जो है ये जो है मृत्यु को प्राप्त हुए थे, ठीक है, अपने जो है शरीर को इन्होंने त्यागा था। और अशोक के बारे में हमने देखा कि शिव के और सूर्य के भक्त थे पहले, और बाद में ये इनका जो रुझान जो है वो कहाँ हो गया था? बौद्ध धर्म के प्रति जो है हो गया था, ठीक है। अगला देखो, मौर्यकालीन लोह प्रगलन भट्टियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन लोह प्रगलन भट्टियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जैसलमेर से, उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से या भीलवाड़ा से? कितनी बार मैं इन क्वेश्चन को करवा चुकी हूं, ये क्वेश्चन उठ के ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि मौर्य काल का प्रश्न है और लोह प्रगलन, सबसे ज्यादा लोहा जो है, लोहे की जो भट्टियां हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई? जैसलमेर से, उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ में या भीलवाड़ा में? यहां पर नहीं आ रहा है आपको समझ में, तो जो स्थल आप लोगों ने पढ़े हैं राजस्थान के, तो वहां पर भी आपको मिलेगा क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा उदयपुर, ठीक है। प्राचीन भारतीय साहित्य में किसे यव द्वीप कहा गया? चंपा, जावा, कंबुज या वर्मा? तो बताइए आंसर क्या रहेगा। प्राचीन भारतीय साहित्य में यव द्वीप किसे कहा गया? तो सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और इनमें से ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रहा है जो कि मेरे द्वारा आप लोगों को नहीं करवाया गया है, ठीक है। सेकंड ग्रेड के जो भी बच्चे हैं तो उनके में तो इंडियन हिस्ट्री है ही नहीं, बाकी फर्स्ट ग्रेड के जो बच्चे हैं तो आप सोचिए कि बिल्कुल सभी प्रश्न आप कर चुके हो। रीट के भी अगर बच्चे हैं तो उन्होंने भी जो है प्रश्न कर लिए हैं, और ऐसे ही प्रश्न थर्ड ग्रेड में भी पूछे जाएंगे, तो आंसर रहेगा इसका जावा, ठीक है। प्राचीन भारतीय साहित्य में किसे यवद्वीप कहा गया? जावा को कहा गया। तो इन 15 में से कितने प्रश्न आपके सही निकले हैं आपको बताना है, ईमानदारी से बताना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से प्रश्न करते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस जो है वो हमेशा रहेगी रेगुलर। थैंक यू।